गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ कक्षा में मैथ सब्जेक्ट में हम बहुपद प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें 2.5 प्रश्नावली चल रही है। तो 7 तक सवाल हो गए थे, अब 8वां देखे। आठ तक हो गए थे सवाल, अपना 9वां सवाल देखिए और क्या कहते हैं। सवाल 9, बहुपद के टॉपिक में 9 सवाल है, सत्यापित कीजिए। इसके अंदर 2 सवाल है, दोनों समान से हैं। एक में आपको बता देता हूँ, एक पूरी करेंगे। जैसे यहाँ पे है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां से सबसे पहले हम यानी कि LHS ये है, ये LHS है और ये है अपना RHS। हमें LHS और RHS को दोनों को बराबर दिखाना है, तो ये है सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें LHS अपना हाली है, RHS को लेते हैं। यहां से RHS लिखेंगे आप, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, तो हम गुणा करते हैं। सबसे पहले ये एक्स इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये पहला अक्ष, पहले गुणनखंड का अक्ष इस पूरे बीजीय व्यंजक या गुणनखंड से गुणा हो रहा है, तो ये अक्ष गुणा, ये अपने आप ही गुणा हो जाता है। उसके बाद में प्लस वाई, तो प्लस वाई अब इससे गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। उसके बाद में आप यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये जो अक्ष है ब्रैकेट के अंदर जो भी है उस सब से गुणा हो जाएगा, जितने भी पद है उन सभी पदों से गुणा हो जाएगा। अक्ष को अक्ष स्क्वायर से गुणा करेंगे तो अक्ष को माइनस एक्स वाई से गुणा करेंगे तो माइनस का अक्ष स्क्वायर वाई, अक्ष को फिर प्लस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का अक्ष वाई स्क्वायर। उसके बाद में यहां से प्लस का वाई इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का वाई माइनस एक्स वाई से गुणा होगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस के वाई क्यूब। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहां से हमारे पास पहले हम घात 3 वाला लेते हैं, तो घात 3 वाला देखो, एक ये रहा इसकी घात 3, उसके बाद में घात 3 का ये अंतिम है, इसको ले लो। उसके बाद में आगे चलते हैं स्क्वायर वाले में, तो ये हमारा पद है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा दूसरा पद देखना है। तो ये पद समान है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई ये रहा। ये दोनों पद समान है, सजातीय है, लेकिन इसमें एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये दोनों यहां से इस तरह से कट जाते हैं। इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर का और पद देखो इस पूरे गुणनखंड में, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। अपना LHS क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, LHS भी एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया, और RHS हमने हल किया तो ये आया, तो इसलिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS।
इसको कहते हैं हम सत्यापन करना। तो ये पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप नोट करें और उसको स्वयं करेंगे। ये इसी टाइप का है, सेम का सेम, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये दो सवाल हो गए, इसमें ये आप लोग स्वयं करेंगे। उसके बाद में टेंथ जो सवाल आ रहा है, दसवां सवाल, उसको देखते हैं। सवाल नंबर दसवां, इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। इसके अंदर पहला देखो ये है 27y³ प्लस का 125z³। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी हम सर्वे समीकरण लगाएंगे। सबसे पहले आपको सर्वे समीकरण याद करनी है, मैंने नोट करवा दी थी आपको, तो हल लगा के यहाँ क्यूब और क्यूब वाला सवाल है, तो क्यूब वाली सर्व समीका लगेगी। क्यूब वाली सर्व समीका में हम लोग सर्व समीका लगाते पहले, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग यहाँ से सर्व समीका, ये सर्व समीका है, आप लिखो तो यहाँ लिख सकते हो सर्व समीका। अब इसको क्यूब में लो, ये पूरा पद क्यूब में लेना है आपको, यहाँ क्यूब केवल वाई पे लगेगी। तो पहले 27 को क्यूब में लेंगे, तो 27 का घनमूल निकालेंगे, 9 3 3 3 3 के जोड़े बन गए 1, तो ये 3y इसका क्यूब हो जाएगा। 27y³ का हम घनमूल निकालेंगे तो 3y आएगा, प्लस 125 का फिर आपको निकालना है 5z। तो इसका सवाल इस तरह से बन चुका है अपना, ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, ये ए का मान है और ये बी का मान, इस सूत्र में डाल दीजिए बराबर ए प्लस बी, ए यानी कि 3y प्लस 5z, और फिर आगे है ए स्क्वायर, यानी ए का मान 3y है, तो 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए गुणा बी, ए का मान 3y है गुणा बी का मान हमारे पास 5z है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ 5z है, तो 5z का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे पास आगे होगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, बाकी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई इसके आगे लिख दो, चाहिए ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 3y प्लस 5z, यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9y², इन दोनों को गुणा कीजिए माइनस 3y और प्लस के 5z को, तो माइनस के 15y z, उसके बाद में प्लस 5z का स्क्वायर, तो 25z², ये आपका राइट आंसर होगा। दसवां सवाल जो दिया हुआ है, इसमें तीनों सवाल इसी टाइप से हैं, एक मैंने बता दिया है, दूसरा यहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूँ, 64m³ माइनस 343m³। इसके बाद में थर्ड सवाल इसके अंदर है, ये भी स्वयं करेंगे आप, 27y³ प्लस 125, ये तो मैंने बता दिया था, इसमें माइनस कर दो, 27y³ माइनस 125z³। ये तीन सवाल आप लोग स्वयं, उसके बाद में सवाल अपना है
इलेवंथ ग्यारहवां सवाल, ग्यारहवां सवाल देखिए, अब बहुत ही अच्छा सवाल है ग्यारहवां भी। मैं यहाँ पे सवाल नोट करवा रहा हूँ, आपको वही गुणनखंड कीजिए। इसके अंदर है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। अच्छा प्रश्न है, ग्यारहवें में ये एक ही है। हल यहाँ पे भी हमारे पास सर्वसम्मति का एक है, आपको लिखाई हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का एस। उसके बाद में यहां से हम लोग देखते हैं तो इनको हमें ये जो पसंद दिया हुआ है ना ये रहा, इसको इस तरह से लेना है हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में। तो 27 एक्स क्यूब है पूरे का, हम क्यूब निकालेंगे तो 3 एक्स क्यूब, ये ए क्यूब हो गया। तो ए का मान यहाँ 3 एक्स है प्लस बी क्यूब में वाई क्यूब हो जाएगा, बी का मान वाई हो जाएगा, सी क्यूब में जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 गुना लगा के एबीसी का मान यानी 3 एक्स गुना वाई गुना जेड ए बी सी, देखो 3 एबीसी है तो ए बी सी की मान ये है तो 3 एक्स गुना वाई गुना जेड। ये सवाल इस तरह से अपने पास। उसके बाद में यहाँ से हम उत्तर लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान ये बी का मान ये सी का मान ये, तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि 3 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हमारे पास है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे माइनस ए बी यानी ए गुणा बी, तो ए और बी ये है 3 एक्स इंटू वाई, ए बी हो गया माइनस के ए बी हो गया, माइनस का बी सी माइनस लगा के बी और सी के मान को गुणा करवाना है तो माइनस लगा के वाई इंटू जेड, माइनस का ए सी माइनस का ए सी है तो माइनस लगाइए, ए का मान 3 एक्स है और सी का मान हमारे पास जेड है, इस तरह से इनको करना है। तो यहां से देखना हो यहां से 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां से 3 एक्स का स्क्वायर यानी 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में यहां से इनको गुणा करेंगे माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस 3 एक्स है तो माइनस का 3 एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का 3 एक्स जेड, इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको उतारें, बहुत अच्छा सवाल है। फिर अगला देखते हैं, उसके बाद में सवाल नंबर 12 देखते हैं। बारह नंबर का जो सवाल है वो फिर आ गया, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, उसी टाइप से ये होगा। जैसे इसके अंदर एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक ही दिया हुआ है वैसे, तो देख लें चित्र से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर, यहाँ दिया हुआ है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें इसको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे भी हम RHS लेंगे क्योंकि LHS हमारी एक सर्वसम्मिका से है, ये हल किया हुआ है। LHS RHS लेते हैं तो पूरा RHS लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको आप ओपन करेंगे, तो यहां से देखना एक बट्टा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से ये एक सर्वसम्मिका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी वही है वही है। यहां से हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसी तरह से प्लस आ गया बीच में तो ब्रेकिट ओपन ही रखेंगे, यदि यहां माइनस आ जाते हैं तो उसके साइन भी चेंज होते हैं आगे, तो यहाँ प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस दो वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, इसी तरह से फिर प्लस लगा के आगे जेड स्क्वायर माइनस दो एक्स जेड प्लस का एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये हमने सर्वसम्मिका से, इसमें जो सर्वसम्मिका हमने यूज की है वो यहाँ लगा सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये सर्वसम्मिका हमने यहाँ यूज की है। आगे देखते हैं, अब एक बट्टा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर क्या कहीं ये रहा, वो एक्स स्क्वायर एक ये एक ये रहा, तो दो एक्स स्क्वायर। उसके बाद में वाई स्क्वायर को लेते हैं, पहले स्क्वायर बढ़ा लेते हैं तो वाई स्क्वायर एक ये दो वाई स्क्वायर, इसी तरह से जेड स्क्वायर को लेते हैं तो एक ये दो जेड स्क्वायर। उसके बाद में आगे चलते हैं तो माइनस का दो एक्स वाई, माइनस का दो एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई का कोई और पद तो नहीं है ना, नहीं है, तो माइनस का दो एक्स वाई, इसी तरह से माइनस का दो वाई जेड, इसी तरह से माइनस का दो एक्स जेड, यहां तक रहेगा। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहां से देखना एक बट्टा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से हमने दो कॉमन लिया, तो ये दो मैं आपको बता दूं, चाहे आप यहां भी ला सकते हो या फिर यहां मिल जाएगा दो, और यहां पे बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड, इस तरह से ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड, इस तरह से यहां तक हमने इसको कर लिया है। उसके बाद में मामूली सा आओ करना है आपको, इसको आप लोग या तो फिर यहाँ पे सर्वसम्मिका लगा दो या फिर ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक हमारे पास सर्वसम्मिका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये अपनी सर्वसम्मिका है। इसका हल क्या आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड, ये सर्वसम्मिका का है। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, हमारा LHS भी यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। बच्चों इसको उतार लें आप अच्छी तरह से। उसके बाद में एक तेरहवा सवाल हो रहा है, उसको देखते हैं, जल्दी करें इसको देख लें अच्छी तरह से।
अगला 13वां जो प्रश्न आ रहा है वो भी शानदार प्रश्न है, उसको देखिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो दिखाइए यानी दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ देखना आप x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो ये यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ से x y और z में से एक पद इधर दाएं तरफ ले जाना है, तो जिसे z को लेते x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। देखो x प्लस वाई को यहीं रोक लिया, प्लस का z यहाँ से इधर आ गया, ये समीकरण ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, तो हमने दोनों तरफ घन कर दिया। तो एक्स प्लस वाई है इसका घन कर दो, माइनस जेड है इसका घन कर दो। ये हमारे पास एक सर्वसमीकरण है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड क्यूब माइनस जेड। यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यहाँ तक तो ऐसा लिख दिया। एक्स प्लस वाई जो ब्रैकेट में है इसका मान हमारे पास आ चुका है, समीकरण एक से देखें एक्स प्लस वाई का मान माइनस जेड है, तो यहाँ पे इंटू माइनस जेड हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई की जगह मान लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो समीकरण एक से। तो यहाँ पे दोबारा देखें, देखो ये ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई की जगह मैंने माइनस जेड लिखा जो हमने समीकरण से निकला बराबर माइनस जेड। उसके बाद में लाइन में और हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस का जेड क्यूब है इसको इधर लाइन दिया, तो ये प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ से ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस के थ्री सॉरी प्लस के 3xy माइनस जेड से होगा माइनस के 3xyz इज इक्वल टू शून्य बचेगा। अब इस एक्स वाई जेड को इधर ले जाइए तो यहाँ पे हमारे पास अंतर बचेगा, इसलिए x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये यहीं पे रोक लेते हैं। माइनस का 3xyz है इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 3xyz हो जाएगा, ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। 30 इसको उतारें। उसके बाद में 14 सवाल है, अंतिम सवाल ये भी देख लीजिए ताकि ये सत्रवाली कंप्लीट हो जाए। चलो ये कंप्लीट नहीं होगी, इसको कल ही देखते हैं, अभी 3-4 सवाल और हैं। तो भैया ये आज का चैप्टर था, ये फिनिश होता है, सत्रवाली 2.5 खत्म होने वाली है, इसमें 3-4 सवाल और बचे हैं जो कल देखेंगे।